आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ब्रह्मांड के राजा और माता पार्वती के पुत्र गजानन महाराज की विदाई लगातार जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। दरअसल 2024 में 10 दिवसीय गणेश उत्सव के उपरांत गजानन महाराज को नम आंखों से भरे मन से अगले बरस जल्दी आना ये गुहार लगाते हुए लोगों के द्वारा उन्हें विदाई दी जा रही है। उनके विदाई समारोह में आप देख सकते हैं यहाँ बहुत परंपरागत उल्लास दिखाई दे रहा है। पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, सारी चीज़ों के बीच में गजानन महाराज की प्रतिमाओं का विसर्जन लगातार जारी है। हमने आपको पहले भी दिखाया था, भगवान गजानन की प्रतिमाएं पहले मठ तालाब का हमने आपको दृश्य दिखाया था, मठ तालाब के बाद दलसागर तालाब में गजानन महाराज की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। लोग अपने घरों में जिनके द्वारा गजानन महाराज की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था उनके द्वारा उन्हें विदाई दी जा रही है। बाकायदा आरती पूजन कर गजानन महाराज की विदाई का सिलसिला जारी है। ये देखिए कुंड बनाया गया है, इस कुंड में बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से दक्ष लोगों के द्वारा गजानन महाराज की प्रतिमाओं का पूरे सम्मान के साथ विसर्जन यहाँ होता हुआ आपको दिख रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देखते हैं आरती गजानन महाराज की चल रही है, आइए। शिव की नगरी का यह नज़ारा। भगवान शिव की नगरी में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, अधेड़ सभी नाचते गाते हुए गणपति बप्पा मोरिया के जयकार करते हुए यहाँ पर आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे होंगे। 16 सितंबर सोमवार से सिलसिला आरंभ हुआ, 17 सितंबर को भी जारी रहा और 18 सितंबर को जब पितृपक्ष भी आरंभ हो गया है तो पितृपक्ष के दौरान भी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गजानन महाराज को, भगवान श्री गणेश को, बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की विदाई लगातार जारी है। उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन ये कुंड बना हुआ आपको दिख रहा होगा दलसागर तालाब के करीब, और इस कुंड में यहाँ प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जा रहा है। पूरी तरह चौकस और मुकम्मल व्यवस्थाओं के साथ प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ दिख रहे होंगे। देखिए गणपति बप्पा को यहाँ पानी के अंदर विसर्जित कर दिया गया है। बहुत भावनात्मक क्षण होता है जब घर में 10 दिन तक या किसी मोहल्ले के पंडाल में 10 दिन तक गजानन महाराज विराजे हों, भगवान श्री गणेश विराजे हों और उसके बाद उन्हें विदाई दी जाए। बहुत भावनात्मक पल इस तरह के होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देखिए विदा करने के पहले पूरी तरह से उनके पूजन अर्चन यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दलसागर तालाब के करीब का ही हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। हम लगातार ही आपको पल पल के अपडेट्स देते आए हैं। अगर आपको
ये सारे अपडेट पसंद आ रहे हों तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साई न्यूज़ में खबरें अगर आप पसंद आ रही हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाज़त देना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।